स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज जा रहे थे हम रायपुरा का मेला देखने। यहाँ से हमको पकड़नी थी बस, फिर आगे खारा में बस मिल गई। फिर हम पहुँचे कन्नौज की बस स्टैंड पे। फिर उसके बाद हमने कुछ नाश्ता करा क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी मेरे चाचू को। फिर चाचा ने किया नाश्ता, फिर मैंने किया, फिर उन्होंने पिलाई मुझे कोल्ड ड्रिंक, फिर हमने पी एक ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। फिर उसके बाद में हम हमारे दोस्त का इंतज़ार करने लग गए। बहुत इंतज़ार करने के बाद वो नहीं आए, इसके लिए हम पैदल ही जाने लगे कुछ दूर तक। हम पैदल सफ़र करने के बाद हम जा रहे थे धीरे धीरे। फिर हम एक दुकान पर ठहरे, फिर उनका इंतज़ार किया दो ढाई घंटे। इस तरह करने के बाद फिर वो आ गए। उनके साथ बनाए मैंने कुछ ब्लॉग। तो हम बना रहे थे वीडियो, चाचू के साथ एक था हमारा दोस्त जिनके साथ में बना रहा था वीडियो। तो आखिरकार हम पहुँच गए रायपुरे का मेले में। तो अगर आपका अभी रोग अच्छा लग रहा है तो मेरे इस ब्लॉग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आखिरकार ये रास्ता इतनी गिली थी कि मैं नीचे उतर गया। यहाँ पर गाड़ी चलाने में लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। ये रास्ते कंकीस ने पानी निकाल दिया था, बच्चे भी इतने जा रहे थे और भीड़ भी इतनी थी। मेरे पीछे था मेरे चाचा, उनके साथ में आया था। ये छोटे चाचा थे, उनके छोटे वाले भाई। ये चाचू ने बनाई मेरे साथ वीडियो और खूब इंजॉय करा इस मेले में, बहुत ही इंजॉय करा इस मेले में। तो चाचा आ रहे थे लोग, मेरे को बोल रहे तू भी आ, तू क्या कर रहा। मैंने कहा ठीक है मेरा बना लो। ये आ गए फिर मेरे ये दोस्त जिनके साथ में ही बना रहा था, ये आए थे हमारे साथ। फिर चाचा मिले, उनकी कुछ दोस्त जिनके साथ उन्होंने बनाए लोग। इतना इंजॉय करने के बाद आखिरकार हम घर की ओर चलती है। गाड़ी लाने में दिक्कत आए थे, कुछ दूर पैदल चले हम। फिर ये था मेरे घर जाने का ब्लॉग जिससे हम घर जा रहे थे। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ यार मेरे चैनल को सपोर्ट करो प्लीज़ गाइस।